कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और वहीं अगर बात करें तो सोनामर्ग सहित गांधरबल जिला के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी होने के बाद 434 किलोमीटर लंबा श्रीनगर ले राजमार्ग बंद हो गया है। बता दें कि सोनामर्ग और गांधरबल के अन्य ऊंचे इलाकों में भी आज सुबह से ताजा हिमपात होता हुआ नजर आ रहा है और जो जिला गुमरी द्रास मतियान मीनमर्ग में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसी पर अधिकारियों ने यह साफ किया है कि जो जिला पर ताजा हिमपात के बाद श्रीनगर ले राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। वहीं साथ ही ये कहा गया है कि एहतियातन तौर पर जो है श्रीनगर ले राजमार्ग के दोनों ओर किसी भी वाहन की आवाजाही को अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि कोई बड़ा हादसा इससे पेश हो सकता है। क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो मौसम में अब बदलाव देखने को मिल रहा है और कल बीती रात से ही ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने भी अगर बात करें तो साफ किया है कि आज पूरा दिन रुक रुक कर बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि 21 अक्टूबर यानी कल शुक्रवार से मौसम में सुधार होना शुरू हो जाएगा। गांधरबल से रईशा की रिपोर्ट।